हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन ग्रुप है, इसके एडजेसेंट को हम बोलते हैं कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। दीज अल्फा हाइड्रोजन दे आर एसिडिक। बोलने का मतलब है कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड की इंट्रैक्शन होती है बेस के साथ, तो ये हाइड्रोजन आयन से एच पॉजिटिव के फॉर्म में चले जाते हैं। तो हाइड्रोजन एटम जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं या कार्बन के साथ, ये यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं एच पॉजिटिव एंड इट डिपार्ट्स विद द बेस। तो इस एसिडिटी का क्या रीज़न है, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रीज़न है कि जो सी ओ ग्रुप है यहाँ पर, जिसको कि मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है किससे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है, अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में इसके साथ लिबरेट हो जाता है। सेकंड रीज़न देखिए, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट आफ्टर लूजिंग द हाइड्रोजन आयन दिस एनायन इज फॉर्म्ड। क्योंकि यहाँ पर एच पॉजिटिव कार्बोनाइल कंपाउंड ने लूज किया, तो कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ यहाँ से, और ये जो एनायन बना यहाँ पर, दिस इज रेफर टू एज कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस बना है दैट मीन्स ये तभी बनेगा इफ इट इज स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, आइए ये समझते हैं। जब कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन एटम तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट कैन नॉट टॉलरेट दिस नेगेटिव चार्ज, बट ड्यू टू रेजोनेंस दिस नेगेटिव चार्ज इज डी लोकलाइज ऑन टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए कैसे होती है डी लोकलाइजेशन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, टू इलेक्ट्रॉन से, एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन। अब ऐसा करिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दीजिए, इससे कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, बट ये जो कार्बन है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसने हाइड्रोजन एटम से लिया था जो कि एच पॉजिटिव के फॉर्म में जा चुका है, तो इस कार्बन एटम के पास ये जो अल्फा कार्बन है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कार्बोनाइल कार्बन को, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो नाउ बोथ कैरी एन इलेक्ट्रॉन एंड पेयर इलेक्ट्रॉन, सो दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड। सिंस ऑक्सीजन हैज एक्वायर्ड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन एक्वायर्स हियर चार्ज। दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो दिस ऑक्सीजन कैन टॉलरेट दिस नेगेटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर नंबर टू इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर वन। तो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो देयर आर टू रीजन विच एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर वन, कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉन, एंड नंबर टू द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म और एनायन जो बना, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके बेसिस के ऊपर हम एल्डोल कॉन्डेंसेशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बेसिस के ऊपर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे,
ये हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.